वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिल्क शेक जो कमर्शियल स्टाइल हमें मिलते हैं मार्केट में बॉटल्स वाले मिल्क शेक, उसके लिए सबसे पहले हम अपना तैयार करेंगे वाइट बेस। उस वाइट बेस में हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल के उनको फ्लेवर्स वाले हम मिल्क शेक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना वाइट बेस। वाइट बेस के लिए जो हमें चाहिएगा वो है शुगर। ये पाउडर शुगर है जो 750 ग्राम्स है। ये मिल्क पाउडर है जो 200 ग्राम्स है। ये मैंने नेस्ले का यूज किया है, आप चाहे तो अमूल्य ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा व्हिपिंग क्रीम पाउडर है जो 50 ग्राम्स है। और ये जैंथम गम है जो 15 ग्राम्स है। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने एक बाउल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिल्क पाउडर, व्हिपिंग क्रीम पाउडर एंड जैंथम गम, इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसको आपको मिक्स करना बहुत जरूरी है अच्छे से। एक से दो बार आप इसे सीव कर लीजिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स। इसको हम अपने एक जिपलॉक बैग में पैक करके रख लेंगे। जब भी हमको मिल्क शेक बनाना है इसमें से हम निकालेंगे और अपने फ्लेवर ऐड करके अपना मिल्क शेक बनाएंगे। और इसकी शेल्फ लाइफ होती है आपके अप्रोक्सीमेट 6 मंथ एयर टाइट कंटेनर में। हमने अपना व्हाइट बेस बना लिया था। अब उस व्हाइट बेस से हम बनाने जा रहे हैं मोका ब्लिस मिल्क शेक। मोका ब्लिस मिल्क शेक के लिए मैंने लिया है 250 ml दूध, ये चिल्ड मिल्क है, 2.5 tablespoons हमारा व्हाइट बेस है, 1.5 tablespoons हमारी शुगर है, पाउडर शुगर मैं यूज कर रही हूँ, 1 tablespoon हमारा कोको पाउडर है, 1/2 tablespoon हमारा कॉफी पाउडर है, 1.5 tablespoon हमारा है चोको चिप्स। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट के कंपाउंड को यूज किया। अगर आपको चोको चिप्स यूज करने हैं आप चोको चिप्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अमूल की डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी हमारी जाएगी आइस और थोड़ी सी हमारी जाएगी वनीला आइसक्रीम, 1 scoop हमारा जाएगा वनीला आइसक्रीम। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने जार में हम सबसे पहले डालेंगे मिल्क, थोड़ी सी आइस, आइसक्रीम, हमारा वाइट बेस, चोको चिप्स, पाउडर शुगर, कोको पाउडर, कॉफी पाउडर और साथ में मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर कैरेमल मोका एसेंस है ये फ्यू ड्रॉप्स। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी यूज करेंगे तो भी आप इसे बना सकते हैं इजीली। इसको हम एक बार अच्छे से चर्न करेंगे। ये हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसको हम सर्व करेंगे अपनी बॉटल्स में या आप कोई जार में भी यूज कर सकते हैं या सिंपल आप अपने कांच के ग्लासेस में इसको डाल सकते हैं। ये हमारा मोका ब्लिस मिल्क शेक बन के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।